नंबर 86, सब्जेक्ट है आपका जनरल सब्जेक्ट है, लाइक पोल्यूशन ले सकते हैं हम सब्जेक्ट को कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है, और ये आपकी कॉमन वर्कशीट है 6th, 7th और 8th क्लास की, ठीक है, सभी को करनी है क्योंकि सैटरडे के दिन आपकी यही वर्कशीट आती है एक ही, ठीक है। तो आज डेट है 7 नवंबर। तो बच्चों देखो, इसमें मेनली तो थीम है से नो टू फायर क्रैकर्स, आपको क्रैकर्स नहीं जलाने हैं। देखो बेटा, आप इस वर्कशीट को बाद में करेंगे, एक बात सुनो, अभी COVID-19 की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, जैसे खांसी है, जुखाम है, ऑलरेडी इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, और अगर हम लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपनी थोड़ी देर के मज़े के लिए अगर हम क्रैकर्स जलाते हैं तो एयर क्वालिटी जो है और भी ज़्यादा डाउन चली जाएगी और उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब सोच के देखो कि जो डॉक्टर्स लोग हैं वो डेली हॉस्पिटल जाते हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डालते हैं, हम उनके जितना नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि इस साल हम अपने आसपास वाले लोगों को या अपने फ्रेंड्स को ये कह सकते हैं कि अब की बार एक भी क्रैकर नहीं जलना चाहिए। और रियल हैप्पीनेस क्रैकर्स में कहाँ होती है, थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाती है, छोटे बच्चे हो आप, आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइट दिखती है तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप ये चाहोगे कि आपकी उस थोड़ी देर की खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी में जीवन भर के लिए दुख आ जाए? नहीं ना। तो आप लोगों को अब की बार जो क्रैकर्स हैं वो बिल्कुल नहीं जलाने हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी मनाना है कि अब की बार तो डेफिनेटली हम बिना क्रैकर्स वाली दिवाली ही मनाएंगे, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेयर आर समथिंग यू सी ऑन दीपावली, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और राइट करना है एंड स्क्रैम्बल, ठीक है इनको। तो यहाँ पर देखो स्वीट, ठीक है, स्वीट लिखेंगे आप इसको, स्वीट राइट, दियाज, दिया, ठीक है, ये क्या क्रैकर्स। फिर यहां पे आ जाएगा लाइट, ये हमारा कैंडल, ठीक है, और जो मैंने बात कही है उसको उस पर अमल करेंगे, और इसके लिए मैं लाइव सेशन तो लूंगी ही पक्का पक्का दिवाली से पहले। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आई लाइक टू ईट स्वीट्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई मीन स्वीट्स क्या, मैं सारा दिन, मतलब मैं कितना भी मीठा खा लूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं सारा दिन फिर भी मीठे की चाहत रहती ही है। वैसे मैं सबसे ज़्यादा मीठे में गज्जक और रसगुल्ला खाना पसंद करती हूँ। आपको मीठे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आप ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स, ठीक है, एंड लाइट्स, कैंडल एंड लाइट्स, ठीक है, देन आई वर्शिप कैंडल्स एंड लाइट, ये हो गया, आई वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, तो आपको ये वाला लिख देना है क्योंकि इसमें आएगा नहीं अगर मैं लिखूंगी तो, गॉडेस थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, आप ऊपर से लिख देना, ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। ऑन दिस फेस्टिवल आई हेल्प द पुअर, द पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस फेस्टिवल। फेस्टिवल सभी के लिए होना चाहिए, सच में रियल हैप्पीनेस तभी होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप ये बचपन में ही ये चीज़ सीख लोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, कभी मदद करके देखना। अगर अब की बार आप क्रैकर्स नहीं जलाएंगे तो आपको इंटरनली बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपनी खुशी को छोड़ के किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो इंटरनली आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, ठीक है। फायर क्रैकर्स कैन कोज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है इससे। इट कैन कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट, हम सिर्फ एक दिन दिवाली आया, मान लो क्या दिवाली आता ही है, इतना ज़्यादा हम पोल्यूशन कर देते हैं कि नेक्स्ट डे जब जाते हैं तो इतना ज़्यादा फोग भी हो जाता है और लोगों को सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है। क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए? अब एक बीमारी कभी भी किसी भी इंसान को लग सकती है। आज हम फ्री हैं, इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो बीमारी हमारे किसी फैमिली मेम्बर को कभी नहीं होगी। तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एक इंडिया का अच्छा सिटीज़न बनना है, इसलिए आप बिल्कुल भी इस बार फायर क्रैकर्स यूज़ नहीं करेंगे और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी इस बात के लिए मनाएंगे, ठीक है। टू द एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन तो कोज करते ही करते हैं। अब आप एक बात सोचो, मान लो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ पर बार बार बहुत जोर जोर से बम फोड़ने लग जाए, क्या मैं वीडियो बना पाऊंगी? नहीं ना। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी हार्मफुल होगा, मेरे लिए भी हार्मफुल होगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन दोनों ही हार्मफुल होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। हमें उतना ही
काम करना चाहिए जितना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी एक्ट से कभी किसी को हार्मफुल हो जाए। अगर हम उसे रोक सकते हैं, उस हार्म को हम बचा सकते हैं, तो हमें जरूर बचाना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन। दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्वालिटी बहुत खराब होता है, बहुत सारे लोगों को डिजीज होती नहीं है और वो हो जाती है, तो इट बिकम्स सीवियर। तो यहाँ पे आपको दो फिलिंदा ब्लैंक्स देखने हैं। अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है हर साल दिल्ली का। तो द फायर क्रैकर कोज क्या करते हैं, एयर, यहाँ पे आ जाएगा एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। अब यहाँ पे आ जाएगा द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज सीवियर, ठीक है। हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स नोट टू यूज फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली, किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करोगे, उनको कहोगे कि अब की बार नहीं क्रैकर लगाने हैं, ठीक है। तो बच्चा हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स नोट टू यूज फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली। आई विल मोटिवेट माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड नोट टू यूज फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली। आई विल मेक देम अंडरस्टैंड, मैं उनको समझाऊंगा कि रियल हैप्पीनेस इज नॉट इन मेकिंग नॉइजेस एंड लाउडनेस, हैप्पीनेस कम व्हेन वी हेल्प अदर्स एंड स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, ठीक है। बाय नॉट बर्निंग क्रैकर्स वी कैन हेल्प asthmatic patient as well as COVID-19 patient. We can feel proud by making our environment clean. हम COVID-19 patient की help कर सकते हैं इस time में, asthmatic patient जो होते हैं उनकी help कर सकते हैं जिनको सांस लेने में problem होती है। हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि हम अपने environment को clean करने में help कर रहे हैं, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन हेल्प ट्रीज एंड एनिमल आल्सो, मैं बताती हूँ। लाइक गांव में जब हम बम फोड़ते थे, मैं छोटी थी तब मुझे भी अच्छा लगता था फायर क्रैकर्स वगैरह, लेकिन जैसे जैसे पता लगा, एक बार शायद हम 7th या 8th क्लास में थी, हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें आकर समझाया था कि बेटा आप लोग, क्योंकि उनको अस्थमा था, प्रिंसिपल मैम को अस्थमा था, तो उन्होंने समझाया था कि देखो बेटा आप जो ये फायर क्रैकर्स लगाते हो ना, तो इससे मुझे जिस दिन दिवाली के बाद 3-4 दिन तक मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आफ्टर दैट मैंने कभी फायर क्रैकर्स नहीं जलाए, हालांकि मैं रंगोली बनाती हूँ, इवन पेंटिंग वगैरह करते हैं, बैठ के कुछ कुछ नए नए गेम्स खेलते हैं, लेकिन फायर क्रैकर्स नहीं, मैंने टच किया था कि मैं नहीं जलाऊंगी, क्योंकि अगर इस चीज़ से किसी को हार्म होता है तो नहीं, हमें वो काम नहीं करना है। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि कौन कौन बच्चे ने डिसाइड किया कि नो क्रैकर्स, ठीक है। तो आप लोग क्रैकर्स लिखेंगे कमेंट में, मुझे बताएंगे। आप लोगों को एक अच्छे बच्चे की तरह इस चीज पे प्लेस करना है, अपने मन को ललचने नहीं देना है कि देखो वो लोग तो उड़ा रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो गंदे लोग हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरों की नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दृढ़ रहना है कि हम अब की बार क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, ओके। तो यही आपकी इस पूरी वर्कशीट में बोला हुआ है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, एंड हो सके तो वीडियोस को शेयर करना। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो चेक कीजिए कि आपकी बेल बटन पे ये दो सिंक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। बेल बटन में जाने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल नोटिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड एंड नेवर। तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो के हम लाइक का टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स। Thank you students, have a nice day, may God bless you.